सो हे क्रिएटर्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं either.io का चैलेंज विद अबले सही हो की तरफ से। तो हमने सीन्स क्राफ्ट्स के पार्ट में देखा था भाव का मीनिंग इज इक्वल टू ग्रो। तो आ गए हैं हमने अपने इस कंप्यूटर स्क्रीन पे तरफ। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो हैव अ एवरेज हाउस इन द मिडल ऑफ सिटी एंड हैव अ मेंशन माइल्स अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन। आप क्या चूज करना चाहेंगे? हैव एन एवरेज हाउस इन द मिडल ऑफ सिटी। मैं दूसरा करूंगा तो कौन सा? सिटी के दूर से 3 miles अवे होगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो चलिए अगले वाले पढ़ते हैं। Have a beginning of cycle of life play when your father. Have the course of thriller play when you bridge. इतना इंग्लिश मुझे आता नहीं पर चल जाता है। तो ठोक देंगे हम कौन सा? तो इसका मीनिंग भी पता नहीं मुझे। आई थिंक ये करूँगा साइकिल वाला। थ्रिल प्ले तो मुझे अच्छा वैसा लगता है पर साइकिल की तरफ जाते हैं। थ्रिल रेड होगा। रेड वाला क्या? हाँ राइट वाला ही। हाँ कर दो ये कर। तो 59% ने सही, उसमें सा 1% है या 0.1%। किल समवन यू हेट एंड गेट कॉट। Kill someone you love and never get caught. Means किसको तो? क्या करो? Kill someone you love. Kill someone you hate. Hate. नहीं पति तो गाँव के नापन will caught. ये तो बराबर है। यही right होगा। Kill someone you love and never get caught. But we love them. Means अपने रिश्ते में ऐसा है। और जैसे गोपी वो अपने रिश्मेस। तो कौन सा करे? आई थिंक फर्स्ट नहीं पर गेट कॉट होगा ना। ओके पहले फर्स्ट ही ट्राई करते हैं। मैं अपने को नहीं मारना चाहता। सॉरी 82%। ओके ओके मेरा राइट था। को हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं। सो चलते हैं अगले। हां यस अगले वाले पे। तो पीनट बटर फर्स्ट या जेली फर्स्ट? पीनट बटर तो मैंने खाया भी नहीं और जेली भी खाई नहीं। पर आई थिंक मैं जेली लूंगा है ना। पीनट बटर तो कैसा होता पता भी नहीं कैसा होता। तो जेली बटर, जेली बटर और पीन द चैट जेली जेली फर्स्ट है वो जेली बटर। अरे पीनट बटर 63%। वाह ये सब अमेरिकन का है ना वेबसाइट। सो उनको पता है क्या क्या नहीं होता क्या क्या होता है। एग्रीड। यस एग्रीड। 9 years है वो बहुत जूनी गेम। जूनी क्या बोलते पूरा पुरानी गेम। लास्ट टाइम व्हेन आई डोंट वांट द जेली ऑन माय टोस्ट। टी पे जो जेली ना अच्छी लगती। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हम। बी स्टूपिड एंड हैव अ ब्रिलियंट किड। ओके बी ब्रिलियंट एंड हैव अ स्टूपिड किड। फादर ऑफ द किड को करना चाहूंगा मैं। अपनों को नहीं। तू बी ब्रिलियंट। हां क्या तू क्या तू ब्रिलियंट या किड ब्रिलियंट होना चाहिए? किड ब्रिलियंट होना चाहिए। आज तो जी को लगता है तो चलिए ब्लू वाला हमेशा राइट होता है ब्रो। जस्ट 60% 60% 50-50 नहीं 60-40 100% होता है। सो बी डैनी पेंटोम। बी बेंटन। डैनी पेंटोम एक कौन सा तो कैरेक्टर होगा और डैनी बेंटोम बेंटन तो पता होगा। बेंटन पता है। बेंटन इज सो गुड। हमें इधर एक टाइम बताता है वो बेंटन।
दिस घड़ी फालतू बेन टेन की घड़ी इज बेस्ट बिकॉज इट्स टेल अस टाइम एंड इट्स बेटर तो हम करेंगे चूज बेन टेन तो हमें पता नहीं पर बेन टेन इज बेस्ट तो लगा के कमेंट्स का बेन टेन इज मोर पावरफुल यस मतलब कमेंट से रे हम तो साइड से है पूरा बेंटन के बेंटन अरे रे रे डैनी पेंट कोई डैनी पेंटम आई थिंक मुझे पता होगा पर देखा नहीं डैनी पेंटम पता नहीं मुझे भी नहीं पता So, हमने चूज किया था बेंटन और डैनी पेंडम दोनों पता नहीं तो चलिए बी सिक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ किल टू पपीज क्या चुनेगा तू बी सिक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ किल टू पपीज यार दोनों से पसंद मीन्स क्या करने का हम बीमार पड़ने का पूरी लाइफ और दूसरा करने का दो दो, दो पपी को मार डालने का दोनों अटके हुए आई थिंक ब्लू वाला क्योंकि हम सिख तो होंगे पर जिंदा तो होंगे ना पपीज को मार के कैसा चलेगा वी स्टिल अलाइव व्हाई आर वी स्टिल हियर ये हम मार रहे हैं हां ये ब्लू वाला पर ऐसा सोचो मत नहीं तो हमें सिख कर दोगे अरे 68% ने पपीज को मार दिया उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा गेट $1,000 टुडे गेट $1 अ डे फॉर 200 डेज मैं दूसरा गेट $1 अ डे 200 दिन के लिए एक एक डॉलर तो $200 तो हो गए और एक दिन में $100 मिलेगा तो $200 इज करेक्ट आई थिंक या 200 दिन इसमें ज्यादा वोट्स होंगे करेक्ट यस 62 ये सब ना मैं छोटी में करता था तो यार बस इतना ही तो मिलेंगे अपनी वीडियो में साई भाई के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टेक केयर यू एंड बाय इतना भाषण नहीं देना था टेक केयर वेक केयर हमारे चैनल में ऐसा ही होता है बाय बाय ऐसा ना